रहमतुल्लाहि व बरकातहु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस शुरू करते हैं हम हमारा आज का ब्लॉग। हमारे ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम रेहान फरहान के स्कूल जाने से। तो बस अभी स्कूल भेज रही हूँ इन्हें, ये स्कूल जाएंगे और मैं अंदर जाके धोऊंगी कपड़े, क्योंकि कपड़ों का बहुत सारा ढेर लग गया है। और यहाँ पर मैं अंदर आ गई हूँ, मैंने धोना शुरू कर दिया है। धोना बिजी हैं इसलिए मैं उनका ब्लॉग बना रही हूँ। इतने सारे कपड़े धोए हैं, ये जूते चप्पल भी, ये देखिए यहाँ पर मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं गाइज। और अभी मुझे फटाफट से नहाकर निकलना है आगरा के लिए। तो आगे बताती हूँ क्यों जा रही हूँ। देवली से तो हम लोग आ चुके हैं, अभी हम लोग निकल रहे हैं उज्मा के घर के लिए, क्योंकि उज्मा के बड़े पापा का इंतकाल हो गया है। तो हम लोग जा रहे हैं गर्मी में, चलते हैं फटाफट से। ये देखिए गाइज, हमारी अप्पी को शादी के बाद भी ये काम नहीं छूटा है अप्पी का, ये पार्ट टाइम जॉब। ये शादी से पहले भी करती थी और अभी भी मायके आती है तो अभी भी करती है, और हमारी अदीबा को। और ये देखिए 10 रुपए, बस 10 रुपए अप्पी। ये हमारी अप्पी की पार्ट टाइम जॉब है 10 और। ये शादी से पहले यही साफ करती थी फीगो को, और शादी की, इनकी शादी के बाद मुझे करना पड़ा। ये देखो 10 रुपए और मिल गए हैं, और हमारी अदीबा गाड़ी में पहुंच गई है। अदीबा, अदीबा, अदीबा। ये पैसे इनने अपने भैया को वापस कर दिए। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं कैसे में पैसे लूंगी। ये देखो मामू ने पैसे दिए थे मम्मा को, अल्ले की बागी आई अंदर। अदीबा मायके जाती हुई लड़की हंसी आ रही है। दे। बारिश होने लगी, अप्पी को लेने गए थे जब भी बारिश मिली थी हमें इस रोड पर। सीधा रास्ता जाता है पहाड़ वाले बाबा की दरगाह के लिए, यहाँ से सीधा जाकर राइट मुड़ना है और ऊपर जाना है पहाड़ पर, तो बाबा का मजा आ जाएगा और ज़ियारत करें। देखिए बारिश वापस से तेज होने लग गई, फिर भी हमारा सफर जारी है क्योंकि हमें टाइम पर पहुंचना है। टाइम पे नहीं पहुंच पाए तो जाने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर मिल गया हमें थोड़ा सा जाम, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं हमारी अदीबा के लिए डॉल देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत प्यारी डॉल मिल रही है। आजा आजा आजा।
वाली पसंद की है। ये देखिए गाइस, ये वाली पसंद की है, ये ले ली हमने हमारी अदिवा के लिए फाइनली। अभी से वीडियो कॉल पर दिखाएंगे, चलते हैं। ये देखिए गाइस, ले ली हमने डॉल, हमारी अदिवा के जैसी प्यारी सी डॉल हमने ले ली है। और इतनी सारी, इतनी प्यारी प्यारी थी ना कि लेने में कंफ्यूजन हो रहा था कौन सी ले और कौन सी नहीं। तो मैंने रेड वाली फाइनल की है, आप लोगों को पता ही है मेरा फेवरेट रेड कलर है। फिर भी मैं कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सी लूं। फिर उसमें कहने लगी कि बाजी यही बहुत अच्छी लग रही है, ये वाली ले लो। और देखिए क्यूट सा पर्स भी है इसका बिल्कुल हमारी अदिवा के जैसी प्यारी है। अभी मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि जल्दी से यहाँ से फ्री होकर हम लोग मुरैना पहुंचे और मैं अदिवा को दिखाऊं और फिर उसके चेहरे की खुशी देखूं और आपको भी दिखाऊं कि हमारी अदिवा कितनी खुश हुई इसको देखकर। तो फिलहाल अभी उज़्मा के घर आने में थोड़ा सा टाइम है, अभी करीब हमें आधा घंटा और लगेगा अदिवा उज़्मा के घर पहुंचने में। फिर उसके बाद हम फ्री होने के बाद गर्मी में से घर पहुंचेंगे। अदिवा कैसे रिएक्ट करेंगी, हाँ अदिवा इसको देख के कैसा रिएक्ट करेगी, बहुत खुश हो जाएगी वो। मुझसे सबर नहीं हो रहा है इस बात को, मैं कैसे बचाऊं। मैं वीडियो कॉल लगा रही थी, उस्माने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं। अभी जी भी कहने लगे नहीं 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 नहीं, घर पर जाकर सरप्राइज देना। पर मैं कैसे बचाऊं इसे अपने पेट में, मैंने अदिवा के लिए क्या लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी अदिवा को दिखा दूं कि देखो अदिवा मैंने क्या लिया तुम्हारे लिए। ये लोग मुझे वीडियो कॉल नहीं करने दे रहे, अदिवा को लगा लूं। नहीं है उस्मा, नहीं ना अभी जी सर जनाब हाँ बोलोगे, पता है मेरी एक आदत है, अगर कोई मुझसे मना करता है ना कि ये काम मत करना तो मेरा और ज्यादा मन करता है कि मैं इस काम को करूं। और अगर कोई कहता है ना कि कर लो तो फिर मैं चुपचाप रह जाती हूँ कि चलो अब नहीं करना है मेरी ऐसी आदत है, अगर कोई मुझे रोकेगा तो मैं नहीं रुकूंगी। और मुझे परमिशन मिल जाती है तो फिर मैं खुद ही रुक जाती हूँ, मेरी एक गंदी आदत है। तो फिलहाल अभी सबर करते हैं घर पहुंचने तक का, कंट्रोल कंट्रोल उज़्मा के घर के लिए। और अभी हवी जी का आ चुका है कॉल, उस्मान भाई हमें लेने। वालेकुम सलाम, साड़ी करेंगे भाई, मेरे साड़ी करेंगे नहीं भाई, हम ही कह रहे थे कि उस्मान भाई आने के मामले में बहुत अच्छे। तो सही नहीं पड़ेगा अभी, जाओगे घर नहीं जाएंगे। तो फिर आ जाओ ना तुम, चलो गाड़ी आप लेके चलो, तब जाओगे ना फिर आप, रिश्ता बैठना है। अभी हम लोग उज़्मा के घर पे जा रहे हैं नकाब उतारने और अपने पर्स वगैरह रखने के लिए, और सामने खड़ी है प्यारी सी डॉल। तो अभी उज़्मा के घर से आ चुके हैं हम लोग मिट्टी में शामिल होने के लिए। और गाइज ये जो हम मिट्टी में शामिल होने आए हैं, ये हैं उज़्मा के बड़े पापा। और अभी इनका चेहरा दिखाया जा रहा है यहाँ पर, तो सभी लोग चेहरा देख रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इनकी मगफरत फरमाए। और आप लोग भी दुआ करिएगा गाइज कि अल्लाह ताला इनकी मगफरत फरमाए और अल्लाह ताला इन्हें जन्नत में ऊँचे से ऊँचे आला से आला मकाम अता करें। यही दुआ मैं भी करती हूँ और आप लोग सब भी मिलकर, सब लोग मिलकर ये दुआ करिएगा इनके हक़ में कि अल्लाह ताला इनकी मगफरत फरमाए। और बस अभी इन्हें ले जाया जा रहा है नमाज के लिए, पास ही में मस्जिद है उज़्मा वाली गली में, जो उज़्मा का घर है ना वहीं पर। तो अभी इनको नमाज पढ़ाकर, असर की नमाज़ पढ़ाकर ले जाया जा रहा है दफनाने के लिए। तो बस देख लीजिए कितने लोग इकट्ठे हुए हैं इनकी मैयत में, कितने लोग शामिल हुए हैं। अल्लाह ताला इनकी मगफरत फरमाए।
और बस अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, और यहाँ पे होने लग गई है बहुत जोरों की बारिश। अभी निकले हैं उज़्मा के घर से, और कितनी जोरों की बारिश है। अभी उज़्मा के घर से निकल भी नहीं पाए ठीक से, हम लोग वहीं उसी गली में हैं और इतनी बारिश हो रही है बहुत ज्यादा। देखिए बारिश का कितना क्या आलम है, बारिश बहुत हो रही है। शोर नहीं मचाते जनाब, हमारे बहुत शोर मचाते हैं जनाब, कह रहे हैं देख लिया तो उतरना पड़ेगा, ऐसी बारिश में कोई क्यों उतारेगा। आलम कवर कर रहे हैं, हम सोच रहे थे कि हमारे बिना उतरे काम हो जाएगा लेकिन हमें उतरना पड़ा, फिलहाल उतर आए हैं। और कुछ इस तरह का यहाँ का व्यू है, हमारी हालत हो रखी है खस्ता। अभी हम जा रहे हैं घर और मिलते हैं आपसे घर पर। प्रिंसेस गेट खोल रही है, माशाल्लाह। अदीवा मेरी प्यारी गुड़िया, अरे भैया सामने नहीं आ रहा है, मेरा बच्चा खड़ा है, मेरा बच्चा ये पाला पाला। मैं क्या लाई हूँ, घूम थोड़ी सकता है। कैसी लगी बिट्टू, चलो अंदर, घूम थोड़ी सकता है बिट्टू। ऐसे ही पारी लग रही थी जी मेरे को, इसलिए मैंने ले लिया आपके लिए। देखो कैसी लगी दी वो बताओ तू, लुको लुको लुको। ये देखो यहाँ पे आलू के पराठे बनाए जा रहे हैं, नानी ने तोल दिया। चलो अपन देखें कैसी लगी आपको, जल्दी बताओ, मैं लगा दूंगी वो तो इधर, तो देखो आपको कैसी लगी ये तो बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटो। अदीवा की चीज आ गई, कौन लेके आया अदीवा, चीज वाले मामू। और आया है अप्पू, हमारा मोहम्मद अहद खान। हाँ मैं तो नाम ही भूल जाती हूँ अप्पू का, हम लाड से अप्पू अप्पू बुलाते हैं इसलिए मैं नाम भूल जाती हूँ। हाय करो बेटा। अरे वाह पाला बच्चा, अरे वाह। चीज लेकर आए क्या है दीवा, ये मैं ले लूँ, तो दिखाओ तो मैं देख लूँ। अरे वाह ये तो, अरे वाह बहुत प्यारी लग रही है ये बटल तो। अरे वाह दीवा की चीज है, हमें दोगी आप, नहीं दोगी, सोने की डिब्बी है, क्या लाए अपू, पिज्जा सोने की डिब्बी। अरे वाह इतनी लंबी सोने की वो मिल रही थी बट्टी है। और आप अदीवा से मिलने आए हो, अरे वाह। और बिट्टू बाजी घर पे, बाजी घर पे है, अच्छा वो पुलिस एक्सीडेंट बैठक में खेला था, चीज वाले मामू ने मुझे डरा दिया है, डरा दिया चीज वाले मामू ने, अरे मेरी गुड़िया को डरा दिया। अदीवा अदीवा ये भैया क्या कह रहे हैं, देखो ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वही मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, जल्द लौट कर आऊंगी एक नए फन व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।